जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीदें अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यूएशन करने के लिए मैं 19, 20 और 21 अगस्त का सभी एक साथ करेंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है। देखिए, अभी पिछले दिन जो है थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब था मेरा, इसलिए मैं पूरा वीडियो लेकर के नहीं आ पाया था। आप लोग के दुआओं से मैं अभी ठीक हो गया हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए जो भी चीज़ें हम लोगों को छुट्टी हुई थी, जो पिछला जो करेंट अफेयर्स था उसमें जो भी चीज़ हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सभी को मैं कवर करके लेकर के आया हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, सारा चीज़ इसमें आप लोगों का कंप्लीट है। जो जो चीज़ हम लोगों ने बीच में अगर छोड़े थे, वो सब चीज़ अभी यहाँ पे कवर करके ले आया हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उससे थोड़ा सा हिम्मत मिलता है, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से एल नीनो के प्रभाव लगातार न्यूज़ में चल रहा है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, तो मैं इसमें एक बार और पढ़ाऊंगा आपको, इसको बताऊंगा। हम लोग मेंस का प्रैक्टिस भी, इसमें प्रैक्टिस प्रश्न भी दूंगा मैं, तो आप लोग उसको मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे। और फिर उसके बाद से भारत का चंद्रयान 3, ये हम लोग देखेंगे। इसके साथ हम लोग रूस का लूना 25 मिशन, इसको भी देखने वाले हैं साथ में। फिर अंडूरी उत्सव, फिर फ्लड वॉच और मैटी बनाना, फिर भारत जापान तकनीक कूटनीति, उसके बाद से LK99 सुपर कंडक्टर, उसके बाद से कावेरी नदी, फिर भारत और सूरीनाम स्वास्थ्य समझौता। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को इसको अच्छे से देखना है पूरा कंप्लीट, और अपना नोट्स भी एक अच्छे से तैयार करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैप भी हम लोग काफ़ी आज इम्पॉर्टेंट है, मैप भी हम लोग को देखना है, याद रखिएगा। ये सब मैप जो है अभी ये करेंट में अभी चर्चे में था, ठीक है? जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं कि आपको ये यहाँ पे दिखेगा, ये सुसीमा स्ट्रेट, ठीक है? तो ये सुसीमा स्ट्रेट है जो कि अभी न्यूज में है, चर्चे में है, ये वाला एरिया है, ठीक है? ये कौन सा जगह है? तो देखिए, चाइना का ये वाला क्षेत्र है। चाइना के बाद से आप यहाँ पे देखते हैं तो ये उत्तरी कोरिया हो जाता है, दक्षिणी कोरिया हो जाता है, ये जापान हो गया, ठीक है? तो ये वाला क्षेत्र है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि दक्षिणी कोरिया और जापान के बीच में ये स्ट्रेट है, ठीक है? लेकिन ये जो स्ट्रेट है ना, ये तीन तीन समुद्र को जोड़ता है, हम लोग कह सकते हैं। ये वाला इधर का क्षेत्र, तो ये पूरा पैसिफिक ओशियन हो गया। इस अगर ये आप देख रहे हैं जो स्ट्रेट है, इसके इस साइड में देख रहे हैं आप जापान के पास, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जापान सागर, एफ सी ऑफ जापान, ये हो गया इधर, फिर यहाँ पे येलो सी हो गया, फिर ये दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे आप देखते हैं तो दक्षिणी चीन सागर जो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी, अलग से एक और मैप आपको दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है? तो जो ये जो सुसीमा स्टेट है, ये सी ऑफ जापान, येलो सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ठीक है? एक दूसरे से जोड़ता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से आपको ये छोटा सा ये दिख रहा होगा, तो ये कोरिया आइलैंड है, ठीक है? उसके बाद से फिर एक और स्टेट है, कोरिया स्टेट, तो यहाँ पे इस आइलैंड के बाद से डिवाइड हो गया, और यहाँ पे एक और स्टेट मिलेगा आपको, कोरिया स्टेट। तो ये दोनों थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है? और मैप अगर देख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो साउथ चाइना सी में यहाँ पे दो एक आइलैंड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पारसल आइलैंड और एक यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड, ठीक है? तो न्यूज़ में ये सब चीज़ें पूछ लेता है, कभी भी चर्चे में रहता है ये सब चीज़, ठीक है? तो ये हो गया। अभी और हम लोग को एक मैप और यहाँ पे देखना है। देखिए आप, ये वाला एरिया मैं आपको पिछली बार भी पढ़ाया था, दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है? देखिए ये वाला यूनाइटेड स्टेट देख रहे हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आप पूरा यहाँ तक देखते हैं मैक्सिको तक, उसके बाद से ये वाला हम लोग इसको मिडिल अमेरिका कहते हैं, ठीक है? सेंट्रल अमेरिका कहते हैं, तो और ये दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका कहते हैं, ठीक है? तो उसी ये जो सेंट्रल अमेरिका है, इसके आप यहाँ पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आप जहाँ पे ये डॉट दिख रहा है, ये नवासा आइलैंड है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक? और नवासा आइलैंड के जस्ट यहाँ पे ये वाला, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ राउंड राउंड गोल कर दे रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है वो हैती है, हैती, ठीक है? हैती हो गया।
और यहाँ पे जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये है जमैका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा ये कैरेबियन सी का एरिया है, ठीक है। तो ये कैरेबियन सी हो गया, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है, ठीक है। और इधर आपको ये अगर पूरा वाला क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक वाला क्षेत्र ये सब अगर पूरा एक साथ लें तो हम लोग को मेन यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा कैरेबियन सी है और इसके अंतर्गत इसी के अंदर में आप ये बीच वाला जो एरिया दिख रहे हैं ये है नवासा आइलैंड, ठीक है। नवासा आइलैंड के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये क्षेत्र है हैती, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि हैती जो है यहाँ पे ये जो नवासा आइलैंड है अपना दावा कर रहा है, लेकिन नवासा आइलैंड अभी जो है इस पे यूएसए इस पे कब्जा करके रखा है, लेकिन हैती ये बोल रहा है कि ये हमारा आइलैंड है, ठीक है, हमसे संबंधित है। तो इस तरीके का इसलिए न्यूज में आ गया है। तो जो नवासा आइलैंड है पूछा जाए तो कैरेबियन सी में है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में है, कैरेबियन सी के अंदर में है, ये अमेरिका जो है अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में है, क्यूबा के दक्षिणी क्षेत्र में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रुक जाइए ना, अभी दिखेगा यहाँ पे ये है जमैका यहाँ पे। तो जमैका और हैती के बीच में नवासा आइलैंड है, ठीक है। तो हर एक एंगल से आपको भी देखना है, आप भी और डीपली अच्छे से मैप में देखिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। याद रखना है इन सभी चीज़ों को, क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इसको बड़े लेवल पे भी दिखा दिया हूँ। यहाँ पे है ये जमैका हो गया, ये यहाँ पे हो गया नवासा आइलैंड और ये हो गया हैती, ठीक है। और ये यहाँ पे आप क्यूबा दिख रहा है, यहाँ हवाना देख रहे हैं, हवाना कई बार न्यूज में आप देखे होंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अलनीनो के प्रभाव पर। ये देखिए लगातार हम लोग न्यूज में देख रहे थे कि जो अलनीनो है अलनीनो का प्रभाव बहुत ज्यादा इस बार पड़ेगा, तो हम लोग के हम हमारे देश में भारत में जो है बारिश की जो बारिश कम होगा ऐसा पहले न्यूज आया था। फिर पता चला कि नहीं, अभी क्या है कि अलनीनो का प्रभाव कम हो रहा है। फिर न्यूज में अभी आया है, अभी चल रहा है कि जो अलनीनो का प्रभाव है वो हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है वो ज्यादा इधर वाले एरिया में ज्यादा पड़ गया है। तो इधर देख रहे हैं आप लगातार बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। तो इस तरीके से लगातार न्यूज में है, तो बारिश का मेन तो हमारे को पढ़ना नहीं है, ठीक है। मतलब इसके प्रभाव को हम लोग को समझना है, उसके बैकग्राउंड को समझना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे अलनीनो और लानीना में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक तरीके से समझेंगे। देखिए अलनीनो और लानीनो, ठीक है, ये दोनों जो है ना ये प्रशांत महासागर का एरिया जो है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए ये जो है अपना ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये पूरा प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था उसमें अमेरिका ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है, अमेरिका हो गया, मतलब ये वाला उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये पूरा आप देख रहे हैं कि एशिया का पूरा क्षेत्र है इधर से, और इससे आगे यहाँ पे जाएंगे तो हमारा भारत दिखेगा। तो ये वाला क्षेत्र आपको मैं दिखाया था पहले भी, हम लोग देखे थे कि यहाँ पे पेरू का तट है, पेरू है, ठीक है। तो पेरू का तट मतलब ये वाला समुद्र से जो जुड़ा हुआ तट है, जो पश्चिमी क्षेत्र है पेरू का वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो घटनाएं होती है ना इन सभी के कारण से होती है, ठीक है। यहाँ से पश्चिम से होते हुए एक हवाएं चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं व्यापारिक पवन, ठीक है, समझिएगा सबसे पहले इसको अच्छे से, हवाओं को, हवाएं ही मेन है। तो इसको एक बार अच्छे से समझेंगे, उसके बाद से आपको क्लियर रहेगा। हमेशा आपको इससे प्रीलिम्स में प्रश्न आता है, मेंस में प्रश्न आता है, तो आप लोग इसको बना लेंगे अच्छे से, समझिए इसको। तो पश्चिम से बहते हुए हवाएं आती हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे पूर्व की ओर जाते रहती हैं, लेकिन यहाँ पेरू का तट है, ठीक है। तो यहाँ से पेरू के तट से ये टकराते हुए जो हवाएं हैं इनकी दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है, ऐसे ये व्यापारिक हवाएं हैं। तो अब यहाँ से टकरा करके सारी हवाएं जो हैं इधर की ओर बढ़ेंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर क्या होगा,
इस जगह की हवाएं जो है, यहाँ के समुद्र का जो जल है वो किस तरीके का होगा, तो यहाँ से जितने भी गर्म हवाएं हैं वो तो चली जाएंगी फिर हवा के साथ, ठीक है, लेकिन ठंडी हवाएं फिर बच जाएंगी, तो यहाँ ठंडी हवाएं रह जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्म हवाएं वाला क्षेत्र बन जाएगा, तो यहाँ पे दबाव क्षेत्र गर्म हवाओं का ज्यादा बन जाएगा, तो इस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा हवाएं फिर जमा होती हैं, गर्म हवाओं का पूरा यहाँ जमा होता है, ठीक। अब यहाँ पे गर्म हवा एक साथ जमा होंगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा वाष्पन, फिर यहाँ से समुद्र में पूरा वाष्पन की क्रिया होती है, फिर यहाँ से फिर इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत तेज बारिश होना शुरू होता है, तो यही बारिश जो है इसी का प्रभाव फिर हमारे आगे चल करके हमारे भारत पे पड़ता है, और जो मौसम है जो वर्षा ऋतु है वो अच्छा होती है, ठीक है, यानी कि बारिश अच्छा होता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं ला नीना, ठीक है, ला नीना, पहले ला लगा हुआ है और इसमें ये अल नीनो है और ये ला नीना है, ठीक है। तो ला नीना की स्थिति में क्या होती है कि जो व्यापारिक पौने हैं वो क्या करती हैं, पेरू के तट से बहते हुए कहाँ पे चली जाती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में, यहाँ पे इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में, ये वाला समुद्र, यहाँ पे जो समुद्र है इस जगह पे लोग चले जाते हैं, ये भी पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी आप साउथ चाइना सी वगैरह जो देख रहे थे ये पूरा वाला एरिया है, उसके आसपास का जितना एरिया यहाँ पे हो गया, इंडोनेशिया का पूरा एरिया हो गया, ये वाला समुद्री क्षेत्र में यहाँ पे चला जाता है, तो यहाँ से ही हम लोग को क्या है, यहाँ से हम लोग जो बारिश होती है यहाँ से फिर आगे बढ़ के वही हवाओं से फिर हम लोग अभी बारिश होता है हमारे देश में, तो अल नीनो हमारे लिए एक बेहतर होता है, ठीक है, अल नीनो समझ गए। अब जो है यहाँ पे ला नीना, सॉरी जो ला नीना हम लोग समझे ना अभी, अल नीनो अब, ठीक है, तो अल नीनो में क्या होता है, जस्ट इस ला नीना के उल्टा हो जाता है, अभी इसमें क्या है, व्यापारिक पौने जो है वो मजबूत स्थिति में, इसलिए क्या कि यहाँ की हवाएं जो है यहाँ की हवाओं को उठा करके लेकर के चली गई यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन जब हवाएं कमजोर हो जाएंगी, जो व्यापारिक पौने हैं वो कमजोर हो जाएंगी, तो वो क्या होगा, इस दिशा में आगे ना जा करके उल्टा इधर से हवाएं आएंगी और सब जमा कहाँ पे होंगे, यहाँ से व्यापारिक पौने यहाँ पे पेरू के तट पे जमा हो जाएंगी, तो पेरू के तट पे जमा हो जाएगी मतलब इस जगह पे गर्म होगा यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, अब यहाँ ठंडा हो गया तो इस स्थिति में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन वगैरह कोई चीजें नहीं होंगी, ठीक है, वाष्पन क्रिया वगैरह नहीं होगा, मतलब बादल यहाँ पे नहीं बनेंगे इस वाले ऊपरी क्षेत्र में, यहाँ से फिर बारिश भी कम होगा, तो इसीलिए हम लोग को बोलते हैं कि अल नीनो का जो प्रभाव है वो हमारे देश पे अभी भारत पे पड़ गया, इसलिए बारिश नहीं होगा, तो अल नीनो का प्रभाव पड़ने का मतलब है कि पेरू के तट पे अधिक गर्म होना, एक शॉर्ट भाषा में ऐसे भी बोलते हैं कि अल नीनो का मतलब है कि पेरू के तट पे आवश्यकता से अधिक थोड़ा गर्म हो जाना, जल का यहाँ पेरू के तट के जल का गर्म होना, इस तरीके से भी कुछ लोग परिभाषित करते हैं बताते हैं, लेकिन मैं आपको अगर पहले जो व्यवहारिक चीजें समझाए उस हिसाब से अब आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ इस जगह पे क्या है, पेरू के तट जो है ये वाला क्षेत्र जो है अब आवश्यकता से अधिक गर्म हो गया जबकि यहाँ पे ठंडा रहता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग अल नीनो कहते हैं, क्लियर है। और जब यहाँ पे अगर इस जगह पर आवश्यकता से अधिक ठंडी हो जाती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग ला नीना कहते हैं, ला नीना कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब ठंडी हवाएं, पूरा ठंडी हवाएं बची और यहाँ पे जो यहाँ का जल है वो ठंडा है, तो इसको हम लोग ला नीना कहते हैं, तो जो ला नीना होता है, जो ला नीना होता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, ठीक है, लेकिन जो अल नीनो की स्थिति होती है ये हमारे लिए, अगर अल नीनो का प्रभाव बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब क्या है कि ये पेरू के तट पे हवाएं यहाँ पे जमा होंगी, बढ़ने का मतलब है, तो हवाएं इधर की ओर रहेंगी तो हमारे तरफ बारिश कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये एकदम अंतर स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया दोनों के बीच में। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं और इसको और अंतर मैं अच्छे से स्पष्ट करूंगा अभी। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है,
जबकि लानीना जो है यह घटना सामान्यतः अलनीनो के बाद होती है। अलनीनो में समुद्री की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि लानीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आप दोनों को और स्पष्ट रूप से अंतर समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये है अलनीनो और ये है लानीना। अभी घटनाएं जो चल रही है वो अलनीनो की चल रही है, ठीक है, लेकिन रियल में अलनीनो की घटना भी नहीं भी चल रही है, ठीक है, क्योंकि अब बारिश भी हो रहा है। अनुमान तो लगाए थे लेकिन अनुमान अब उस तरीके से नहीं हो पाया होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये अभी देखते हैं कि अलनीनो और लानीना में क्या अंतर है। देखिए, अलनीनो में प्रशांत महासागर में स्थित जो पेरू का तट है, जो मैं आपको बताया पेरू का तट ये वाला, इस क्षेत्र में जो होगा वो क्या होगा, अधिक गर्म हो जाएगा। लानीना की स्थिति में क्या होगा, इस जगह पे ठंडा हो जाएगा, अधिक ठंडा हो जाएगा, जस्ट इससे उल्टा। व्यापारिक पवनें क्या होंगी, कमजोर हो जाएंगी। तभी तो व्यापारिक पवनों को किधर की ओर जाना था, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाला तट उधर की ओर जाना था, लेकिन वो कमजोर हो गई। कमजोर हो गई का मतलब क्या, उधर से जो हवाएं आ रही है इसको मोड़ दिए, है ना, कमजोर स्थिति तभी होगा ना, तो इसलिए ये इधर कमजोर हो गई। ठीक है, तो अलनीनो में जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जबकि लानीना की स्थिति में मजबूत होती हैं। भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है इससे। अगर अलनीनो का प्रभाव अधिक हुआ तो क्या होगा, भारतीय मानसून जो है कमजोर हो जाती है, जबकि अगर लानीना की स्थिति होती है तो उस समय क्या होता है, भारतीय मानसून जो होता है मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अलनीनो का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, सूखे क्षेत्र में वर्षा होती है और वर्षा क्षेत्र सूखा पड़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे एक रेगुलर चल रहा था कि यहाँ पे जो है हमारा बारिश, यहाँ इस जगह पर बारिश हो रहा है, क्योंकि जो अलनीनो का प्रभाव उस तरीके से नहीं पड़ रहा था, नॉर्मल लानीना की स्थिति चल रही थी तो बढ़िया से यहाँ पे बारिश हो रहा था, लेकिन अचानक से अलनीनो का प्रभाव बढ़ गया तो इस जगह से जो बारिश यहाँ होना था, ये हवाएं मुड़ गई इधर, अब बारिश इधर होगा तो यहाँ सूखा पड़ेगा, इधर बारिश नहीं होता था इधर बारिश होने लगेगा। ठीक है, तो ये स्थिति होती है अलनीनो में, जबकि लानीना में क्या होता है कि हमारे भारत क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है। मछली उत्पादन में कमी आती है अलनीनो के प्रभाव से, जबकि लानीना की स्थिति में क्या होगी, प्रभाव उसका बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, वर्षा अधिक हो रहा है, वर्षा अधिक होगा तो मछली उत्पादन भी अधिक होगा। ठीक है, फसल उत्पादन में भी कमी आती है, वर्षा कमी हो जाती है अलनीनो के प्रभाव से, लेकिन लानीना में क्या होता है, फसल उत्पादन भी अच्छा होता है। और अलनीनो को हम लोग यहाँ पे छोटा बच्चा कहते हैं, बच्चा के रूप में इस तरीके से भी एक अलग से बोला जाता है, जबकि लानीना को छोटी बच्ची के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो दोनों में एकदम अंतर स्पष्ट हो गया अच्छे से आप लोगों को। इसी से आपको आंसर भी लिखना है, ज्योग्राफी से संबंधित है अब, लेकिन आपको आंसर लिखना है। सभी लोग आप लोग आंसर राइटिंग यहाँ पे करके और ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है, एक दूसरे का चेक भी कीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न क्या है, लानीना और अलनीनो में अंतर स्पष्ट करते हुए भारत पर इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए, 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है, एकदम नॉर्मल है, एकदम इजी प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले लिखना शुरू करें, पहले शुरुआत करें, किसी भी चीज़ का शुरुआत करना जरूरी है, उसके बाद से धीरे धीरे आप लोग बहुत बेहतर होते जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को आसान दे रहा हूँ, मैं अपने तरफ से तो इतना कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोग के ऊपर है, ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को कितना बेहतर करना चाहते हैं। चलिए, ये टॉपिक हो गया हमारा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो चंद्रयान 3 है और रूस का लूना 25 मिशन है, इसके बारे में। ठीक है, देखिए अभी न्यूज में चल रहा है कि चंद्रयान 3 से जो है 1 महीने बाद लूना 25 जो मिशन है लॉन्च किया गया, और वो जो है चंद्रयान 3 से भी पहले पहुंच रहा है वहां पे चंद्रमा में, तो इस तरीके की न्यूज चल रही है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, हम लोग को अब ये देखना है। न्यूज तो हम लोग समझ गए कि न्यूज में ये बातें हो रही है, इन दोनों में अंतर क्या है, और जो लूना 25 है ये कैसे आगे जा रहा है चंद्रयान 3 से, ठीक है, इसको भी हम लोगों को देखना है। प्लस अभी न्यूज में ये भी चल रहा है, आप देखे होंगे कि जो चंद्रयान 3 है उसमें अब वो लगभग मतलब पहुंच गया है, हम लोग ये माने,
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक लगभग पहुंच गया है अब, ठीक है। बहुत जल्द बहुत सारी जानकारियां भी अब हमको मिलेंगी, तो हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक बार थोड़ा सा, और मैं पूरा चंद्रयान 3 जो कि मैं इससे पहले एक बार और पढ़ाया था, उसको मैं फिर से पूरा बेसिक चीज़ों को, हर चीज़ों को बताऊंगा आपको, और फिर हम लोग इन दोनों के बीच में अंतर भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली ये न्यूज़ है, ठीक है। इस न्यूज़ के बाद से हम लोग एक बार सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रयान 3 और रिलेटेड हमारा जो जितना भी बेसिक चीज़ जो है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं 15 जुलाई को इसको पढ़ाया हुआ था एक बार और, ठीक है। तो उसी समय देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को जानना जरूरी है। जो इसरो है, इसरो, ठीक है, ये श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यहाँ पे लॉन्च वाहन Mark 3 LVM 3, ठीक है, ये लॉन्च वाहन है, याद रखिएगा इसका नाम LVM 3, इससे इसको छोड़ा गया, ठीक है। और ये अपना भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था, ठीक है। पहला यहाँ पे, फिर दूसरा हुआ, अब ये तीसरा है। लेकिन दोनों जो है वो कहीं ना कहीं जो है सफल नहीं हो पाए थे। चंद्रयान 2 को भी सेम इसी उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, लेकिन वो भी मतलब सफल हम लोग नहीं हो पाए चंद्रयान 2 में भी, ठीक है। लेकिन अब हमारा ये तीसरा, अभी हम लोगों ने फिर से एक चंद्रयान 3 लॉन्च किया, ठीक। और इसमें भी सेम वही लक्ष्य रखा हम लोगों ने कि दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, ठीक है, चंद्रमा के। अब इस चंद्रयान 3 के इसमें 3 स्टेज है जो सबसे मेन, जो हम लोग को जानना चाहिए। एक है यहाँ पे प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, फिर दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, फिर तीसरा है रोवर। तो ये तीनों का छोटा छोटा सा काम है, इम्पॉर्टेंट काम है। जैसे कि देखिए प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ये लैंडर और रोवर को, इन दोनों को एक साथ लेकर के जाएगा और चंद्रमा के 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जो है उस क्षेत्र में, वहाँ तक इस ये पहुँचाएगा, ठीक है। प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम ये है, एकदम स्पष्ट रूप से एक लाइन में बस याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लैंडर मॉड्यूल, जो लैंडर मॉड्यूल जो है ये रोवर को, मेन बेसिक चीज ये है कि रोवर को ले जा करके सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, ठीक है। तो लैंडर का काम ये है कि वो रोवर को लेकर के जाएगा और वो चंद्रमा पर वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, उतारेगा उस जगह। फिर रोवर क्या करेगा, रोवर जो है वो मेन रूप से चंद्रमा के सतह पे उतर करके उस जगह पे वहाँ के रासायनिक विशेषताओं, जल, जो भी चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट लगती हैं, वो सारी चीज़ों को वो वहाँ से विश्लेषण करेगा और फिर वो हम लोगों को हमारे तक भेजेगा, ठीक है। तो ये 3 एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर समझिएगा, ठीक है। साइंस वाली चीज़ें हैं तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, याद जल्दी नहीं होता है, तो मैं एकदम आसानी आसानी से आपको बताया हूँ, बस इतना अच्छे से आप क्लियर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो लॉन्च वाहन है ना, वो अलग अलग तरीके से लॉन्च वाहन है। अभी तक हम लोग 3 लॉन्च वाहन हमारे पास जो है, जिसको हम लोगों थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा उसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी Mark 3 का यूज किया है, लेकिन इससे पहले जो है PSLV, यहाँ पे PSLV सबसे पहले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोगों ने इसका उपयोग किया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, फिर थोड़ा और आगे समझेंगे इसी के बारे में। अभी हम लोग केवल लॉन्च व्हीकल के बारे में देख रहे हैं। तो इसको हम लोग PSLV कहते हैं, या फिर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, तो जैसे कि इसरो सबसे ज़्यादा इसको लॉन्च किया इसमें, ठीक है, और इसकी जो विफलता दर भी बहुत कम होने के साथ ये यहाँ पे वर्क हॉर्स के रूप में भी एक तरीके से जाना जाता है, ठीक है। और 3.8 टन वजन उठाकर पृथ्वी की निचली कक्षा में भी ले जा सकता है। तो इसकी कुछ कुछ खास खास बातें हैं PSLV के बारे में। PSLV पहले आया, इसका बहुत ज़्यादा यूज भी किए, बहुत बेहतर भी है, लेकिन फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और फिर हम लोग लेकर के आए GSLV, ठीक है। तो GSLV में यहाँ पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान, ठीक है, तो ये हम लोग लेके आए, इसका थोड़ा सा सारी चीज़ें याद रखेंगे फुल फॉर्म।
अब ये इसलिए लेकर के आए क्योंकि हम लोग इसको भारी जो पेलोड है उनको लॉन्च करने के लिए, ये मतलब बहुत ज्यादा भारी क्षमता तक भी है, मतलब ले सकता है उस चीज को, मतलब एक सहन कर सकता है क्षमता इसके पास है उतना, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो उच्च कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए भी इसका उपयोग किए तुम लोग, ये GSLV हुआ। अब GSLV के बाद से फिर आया यहाँ पे LVM3, ठीक है, या फिर GSLV MK3, ठीक है, उसी को और अपडेट करके, GSLV को ही थोड़ा सा और अपडेट करके हम लोग लेके आए, ठीक है। यही हम लोग चंद्रयान 3 में यूज किए, LVM3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल Mk3, या फिर इसी को कह सकते हैं आप प्रक्षेपण यान Mk3, या फिर GSLV MK3, ठीक है। ये तीनों अलग अलग, देखिए मैं इतना आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा वरना कन्फ्यूजन होता है। ये सब एक ही है, LVM3 हो गया, या प्रक्षेपण यान, या फिर GSLV MK3, ठीक है, सब में 3 लगा हुआ है। तो ये जो प्रक्षेपण यान है इसके बारे में आप कुछ कुछ बातें देखिए, ये सबसे शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन LVM3 है जो लॉन्च व्हीकल Mk3 का संक्षिप्त रूप है। यह 10 टन तक वजन उठाकर निचली पृथ्वी की कक्षा में ले जा सकता है, ठीक है। इसने यहाँ पे किनारों पर दो ठोस प्रणोदक S-200 स्ट्रैप ऑन, और फिर एक एक मुख्य चरण जिसमें कि 110 तरल चरण, और यहाँ पे C-25 क्रायोजेनिक चरण शामिल है। तो इसमें भी 3 चरण अलग अलग से शामिल किया गया है, शायद मैं उस चित्र को नहीं रख पाया हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे। उसके बाद से आगे देखिए, यहाँ पे 8,000 किलोग्राम तक उपग्रहों को ले जाने की क्षमता के कारण से इस वजन को सबसे भारी वाहनों में से एक करार दिया गया, तो ये काफी भारी वाहन भी है तरीके से, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग मिशन जो है चंद्रयान से संबंधित उसका थोड़ा देखते हैं। देखिए चंद्रयान प्रथम जो है, चंद्रयान दूसरा और चंद्रयान तीसरा, तीनों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं सभी में। देखिए सबसे पहले चंद्रयान प्रथम को जो लॉन्च किया गया 2008 में, और चंद्रयान दो जो जो दो था उसको 2019 में, और तीन को अभी 23 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था? तो प्रथम का उद्देश्य नॉर्मली सतह का अध्ययन करना था, लेकिन जो दूसरा था वो सेम दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, रोवर को वहां उतारे और वहां पे जल बर्फ वगैरह ये सब चीजें वहां पे सर्च करें। सेम तीसरे का भी वही था, ठीक है। उसके बाद से देखिए इनके मेन मेन चीजें इसमें अवयव क्या थे। तो चंद्रयान प्रथम में ऑर्बिट था, ठीक है, ऑर्बिटर, और फिर चंद्रमा प्रभाव की जांच, ठीक है, ये इनका मुख्य अवयव था। फिर इसमें देखिए ये ऑर्बिटर, यहाँ पे ऑर्बिटर लैंडर जो कि विक्रम के नाम से, और रोवर जो है प्रज्ञान के नाम से जाना गया। इसमें जो है प्रणोदन मॉड्यूल, ठीक है, लैंडर रोवर, ये तीनों थे। अभी हम लोग देखे जो वही, ठीक है। उसके बाद से फिर इसमें कितने दिनों के बाद से, जैसे जो यहाँ पे लगातार इसको लॉन्च करने के बाद से 312 दिनों के बाद संचार समस्या इसमें शुरू होने लगी, और लगभग ये भी फेल ही हुआ। उसके बाद से फिर ये जो सेकंड चंद्रयान है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया अभी, और ये तीसरा जो है अभी लगभग सफल होने की उम्मीद में लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद से प्रक्षेपण यान क्या क्या रखे थे उसमें, तो देखिए प्रथम जो है चंद्रयान प्रथम में हम लोग PSLV का यूज किए थे, और चंद्रयान दूसरा में जो है हम लोग GSLV MK3 का यूज किए थे, ठीक है, GSLV MK3, और फिर इसमें भी हम लोग LVM3, ठीक है, LVM जस्ट इसको थोड़ा सा बेहतर करके और हम लोग यूज किए उसका, ठीक है। और लैंडिंग साइट अगर देखना है, वही जो मैं आपको बताया दक्षिणी ध्रुव में लोग को उतरना था, और ये नॉर्मली सतह पर, ठीक है। तो इससे हम लोग काफी अच्छे समझ में आ गया होगा।
चलिए अब थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हम लोग समझ गए, अब अभी क्या चल रहा है वर्तमान में। तो यहाँ पे जो है देखिए, अब मैं यहाँ से आगे मैं पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ पे समझिएगा सभी चीज़ों को, बेसिक चीज़ें तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे जो रूस का लूना मिशन है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो रूस का लूना 25 मिशन, जिसे 10 अगस्त 2023 को सोयूज रॉकेट पर लॉन्च किया गया, इसका जो लक्ष्य था वो चंद्रयान 3 के से कुछ दिन पहले दक्षिण, यहाँ पे वो दक्षिणी ध्रुव पे जहाँ पे हम लोग लैंडिंग करें वहाँ पे भी इसको भी सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है। तो ये सब इसके भी, ये भी उसी उद्देश्य से आगे बढ़ा। फिर रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने घोषणा की है कि लूना 25 की लैंडिंग से चंद्रयान 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों एक ही उसी तरीके से वहां पर लैंडिंग करने वाले, तो हो सकता है कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो, ये लोगों ने क्लियर किया है कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो लैंडिंग क्षेत्र है वो अलग अलग है। चंद्रयान 3 से पहले लूना 25 चंद्र पर यहाँ पे पहुंच गया, तो ये सब इसलिए यहाँ पे न्यूज में आ गया है ये बात, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रक्षेप पथ का लाभ, अब ये लोग किस तरीके से जो है, जो चंद्रयान 3 है और लूना 25 है, तो लूना 25 कैसे पहले पहुंचा ये हम लोग अब देखते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि चंद्रयान 3 के तुलना में लगभग 1 महीने बाद लॉन्च होने के बावजूद लूना 25 अपने अधिक, यहाँ पे अधिक प्रक्षेप प्रत्यक्ष पर प्रक्षेप पथ के कारण चंद्रमा पर पहले पहुंचने में सक्षम हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अब देखिए, हम लोग देखे थे कि जो चंद्रयान 3 जो है वो लगातार ऐसे राउंडिंग करते हुए पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा समय लगा, जबकि लूना 25 डायरेक्टली गया, ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ कुछ खास बातें, अंतर जो है क्यों आगे गया, और तो आगे देखिए यहाँ पे पेलोड और ईंधन भंडारण, ठीक है। तो लूना 25 का 1750 किलोग्राम का लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान, ठीक है, चंद्रयान 3 के 3900 किलोग्राम की तुलना में काफी हल्का है। तो चंद्रयान 3 में देख रहे हैं कि 3900 और लूना 25 में केवल 1750 किलोग्राम तक का, तो दोनों में कितना वेट का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए लूना 25 की गति भी क्या थी, तेज थी, ये भी एक कारण था। फिर चंद्रयान 3 का घुमावदार मार्ग जो मैं अभी आपको बताया, वही चंद्रयान 3 में यहाँ पे कम ईंधन भंडार भंडार की भरपाई के लिए चंद्रमा की ओर उड़ान भरने से पहले वेग उत्पन्न करने के लिए एक दीर्घ मार्ग अपनाया गया, जिससे कि वेग उत्पन्न करने में यहाँ पे युक्तियाँ शामिल थी। तो इसलिए भी इस यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा लेट लगा। फिर लूनर डाउन टाइमिंग, अपने लैंडिंग स्थल पर चंद्रोदय से पहले लैंड करने के कारण लूना 25 जो है वो पेलोड को पूरे चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर लगभग के दौरान सौर पैनल के माध्यम से पूर्ण ऊर्जा भी प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसलिए भी ये लूना 25 जो है आगे पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे लूना 25 जो है वो 47 वर्षों के बाद से रूस की चंद्र अन्वेषण में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि आप देख रहे थे कि जो यहाँ पे रूस है वो लगभग ये सब चीज़ों में शुरुआत में पहले आगे था, फिर बीच में रुक गया, अभी फिर से शुरुआत किया है, जिसका लक्ष्य है अंतरिक्ष अन्वेषण में अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना है। और चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन जो है वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है, दूसरा प्रयास है हमारा। लूना 25 हल्का है और इसमें रोवर का अभाव है, ठीक है, जो मिट्टी की संरचना और धूल के कणों का अध्ययन करने और सतह पर पानी का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। जबकि चंद्रयान 3 में एक रोवर है जो कि 500 मीटर तक चलने में सक्षम है, इसका लक्ष्य चंद्रमा पर मिट्टी का अध्ययन करना है और इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास छाया वाले गड्ढे में पानी बर्फ का पता लगाने के लिए उपकरण है ये, ठीक
ठीक है, तो अंतर धीरे धीरे सब में क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, आप लोग उसको और छोटा करके अंतर स्पष्ट लिख लेंगे अपने नोट्स में। लूना 25 को 1 साल के मिशन के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जो कि हीटिंग तंत्र और गैर सौर ऊर्जा स्रोत से सुसज्जित है, ठीक है, और इसके विपरीत चंद्र चंद्र रात के दौरान हीटिंग की कमी के कारण से चंद्रयान 3 को 1 चंद्र दिवस के लिए केवल बनाया गया है। तो इसलिए दोनों में ये सब कुछ स्पष्ट अंतर हैं, ठीक है। अंतर से संबंधित प्रश्न चाहे लूना 25 क्या है, तो ये भी आपको ध्यान में रहेगा प्रीलिम्स के हिसाब से कि ये भी जो है वो चंद्र जो मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक मिशन है। चंद्रयान 3 लैंडर यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल में मैं आपको बताया हूँ, वही बात यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी जो अभी न्यूज़ में अभी ये भी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये भी हम लोग इसको देख लेते हैं साथ में, अंतर अच्छे समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चंद्रयान 3 जो है वो लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है, और चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान पर 34 दिनों तक रहने के बाद से प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल जो है वो 17 अगस्त को अलग हो गए। अब ये लोग जो रोवर है वो भी अपने हिसाब से अब वहां पे चंद्र जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पे लैंडिंग करेगा और वहां पे अलग अलग तरीके से अनवेंशन करेगा, ठीक है। तो सारी बातें वही सब चीजें हैं इसमें। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ये चीजें हो गई क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि जो रूस है, अब रूस के साथ हम लोग का शुरुआत में भी अच्छा संबंध था, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐतिहासिक चीजों को भी देख लेते हैं। भारत और रूस के साथ बीच में जो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो सहयोग की स्थिति है वो क्या क्या है, कुछ दो एक दो पॉइंट में। जैसे कि देखिए, भारत के पहले उपग्रह जो आर्यभट्ट, ये पहला जो यहाँ पे उपग्रह यहाँ पे ये एक मिशन था, तो इसमें वर्ष 1975 में सोवियत संघ के द्वारा यहाँ पे लॉन्च या प्रक्षेपित किया गया था। तो हमारे उपग्रह को ये इन लोगों ने इस तरीके से लॉन्च किया था, रूस उस समय से हमारे साथ है 1975 से, ठीक है। तो USSR के इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वर्ष 1984 में सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोयूज रॉकेट ने उड़ान भरी थी, और इसमें राकेश शर्मा इस रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले इकलौते भारतीय नागरिक भी हैं, ठीक है। उसके बाद से वर्ष 2004 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, और इसमें ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का विकास और भारतीय रॉकेटों द्वारा रूसी ग्लोनास उपग्रहों का प्रक्षेपण शामिल था, ठीक है। ये कुछ कुछ बातें हैं जिनको याद रखना है। और उसके बाद से देखिए, एक नोट के रूप में मतलब नॉर्मली ये भी क्या है कि ये इस तरीके का प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे रखा हूँ कि इतिहास में केवल 3 देश ही है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यहाँ पे चीन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्लड वॉच, जो फ्लड वॉच है ये एक तरीके का एप्लीकेशन है, देखिए यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग एप्लीकेशन ये है एक तरीके का, ठीक है। और ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग ने रियल टाइम में बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए ये इसको लॉन्च किया गया है। तो फ्लड वॉच क्या है, सबसे मेन चीज यही ध्यान रखना है, कुछ खास विशेषताएं एक दो देख लेते हैं। देश भर में बाढ़ से संबंधित जानकारी प्रदान करने से, फिर बाढ़ संबंधित जानकारी की अधिक सटीक स्थिति प्रदान करने के लिए यह ऐप विभिन्न स्रोतों से नदी प्रवाह डेटा का भी उपयोग करता है, और ऐप उपयोगकर्ता मानचित्र की सहायता से सीधे स्थान का चयन कर अथवा यहाँ पे इंटरेक्टिव मानचित्र सुविधा से सर्च बॉक्स का उपयोग कर केंद्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान अथवा बाढ़ संबंधी सलाह पर जानकारी भी अलग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फ्लड वॉच में बाढ़ संबंधी सटीक पूर्वानुमान सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और रियल टाइम निगरानी जैसे उन्नत तकनीकों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा ना फ्लड वॉच, ठीक। उसके बाद से अंडूरी उत्सव,
अंडूरी उत्सव इस तरीके का उत्सव वगैरह भी आप देखे होंगे, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये उत्तराखंड में मनाया गया एक तरीके से माखन उत्सव है ये, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी जिले के बुग्याल में मनाया जाता है अंडूरी उत्सव, ठीक है। इसको बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेगा ये सब पॉइंट, एक एक दो दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और जो ये जो बुग्याल क्षेत्र है ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये लगभग 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। और यहाँ पे दयारा बुग्याल राज्य के यहाँ पे ये प्राचीन घास के मैदान में से एक है, तो इस तरह की चीजों का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बटर होली के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि लोग खेल खेल में एक दूसरे को मक्खन, दूध और छाछ लगाते हैं, ठीक है। वो समझ में आ गया। अब मैटी बनाना, मैटी बनाना क्या है? तो जो मैटी बनाना है ये आप देखेंगे तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में, वहां पे इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो मैटी बनाना याद रखेंगे कहाँ पे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में। तो वहां की एक तरीके से ये अनूठी विशेषता है, गुड़ है एक उसका, जो ये मैटी बनाना, मतलब मैटी केला जो होता है, केला उसी उसी को, ये एक अलग तरीके का केला है, यहाँ पे ये देखिए केला है, इसी को मिला हुआ है, ठीक है। और ये लगभग 6 प्रकार के होते हैं, रंग, सुगंध, स्वास्थ्य, बनावट और भिन्न होते हैं। तो इस तरीके से कुछ कुछ विशिष्ट चीजें जो पाई जाती हैं उस जगह की, तो इसलिए वैसे चीजों को जो है जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो ये भोजन और औषधि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, इसको बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कन्याकुमारी का विशिष्ट जो वहाँ पे जलवायु है, जो वहाँ की मृदा की स्थिति है, उसी हिसाब से वहाँ पे विकसित होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे भारत जापान तकनीक कूटनीति, नॉर्मली मैं इसमें दो चार पॉइंट आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा जो जो कंडक्टर्स वगैरह, कंडक्टर्स हो गया, सेमी कंडक्टर चिप्स हो गए, सुपर कंडक्टर्स हो गए, ये सब लगातार न्यूज़ में चल रहा है। मैं आपको कई बार ये सब चीज़ों को मैं पढ़ाया भी हूँ, ठीक है, अभी भी न्यूज़ में चल रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई यहाँ से प्रश्न आता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, तो नॉर्मली सुपर कंडक्टर क्या है, कंडक्टर्स क्या है, ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं। तो अभी मेंस में अगर यहाँ से आता है प्रश्न, तो किस तरीके से छोटा बहुत पॉइंट थोड़ा बहुत इसमें है, उसको आप लोग लिख लेंगे उस जगह पे, ठीक है। तो भारत और जापान जो मिल करके यहाँ पे एक साल मिल के काम करना चाह रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पे देखेंगे कि भारत और जापान जो है वो जुलाई 2023 में अर्ध चालक पर यहाँ पे सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। आपको इससे पहले मैं एक बार और बताया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि जो चीन है वो सेमीकंडक्टर्स वगैरह पे क्या कर रहा है, रोक लगा रहा है, नहीं जा रहा, जबकि अभी के दृष्टि में देख रहे हैं इस तरफ से ये सब चिप्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी हमेशा हर जगह पे, मतलब हर एक देश के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये जो अर्धचालक है, ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, मतलब उसी का इंग्लिश नाम है सेमीकंडक्टर। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अब देख रहे हैं हम लोग हर एक चीज़ इतना ज़्यादा आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल से लेकर के टीवी, फ्रिज, हर चीज़ में आपको इस तरीके का आपको कनेक्टर दिखेगा ये, ठीक है। तो ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो जो सेमीकंडक्टर, देखिए सबसे पहले कंडक्टर यानी कि, कंडक्टर यानी कि चालक, ठीक है, और अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, अति चालक मतलब सुपर कंडक्टर। तो एकदम आसान भाषा में, बाकी आप लोग और हाई फाई पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लेना। नॉर्मली जितने भी इस तरीके के करंट प्रवाह होंगे, ठीक है, इन सभी में वे सभी तत्व जो रहेंगे वे सभी यहाँ पे वो लोग एक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब किसी कंडक्टर में जो है बिजली का प्रवाह जो है वो थोड़ा कम जाएगा, ठीक है, मतलब जितना कंडक्टर में नॉर्मली जाता है उतना नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं अर्धचालक, ठीक है, या सेमी कंडक्टर, ठीक है। और यहाँ पे फिर सुपर कंडक्टर, इसमें बहुत ज़्यादा हेवी रूप में जो बिजली का प्रभाव होता है उसके कारण से इसको सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है।
एक अभी न्यूज में है, अभी मैं आगे बताऊंगा, यहीं पे बता देता हूँ। जो सुपर कंडक्टर वो जो है, उस सुपर कंडक्टर जो है उसमें ये बताया जा रहा था, अभी आया था LK99, LK99, ठीक है, ये सुपर कंडक्टर न्यूज में था। अब कि इसको बताया जा रहा था कि ये एक सुपर कंडक्टर अभी खोजा गया है, ठीक है, और ये जो जो ये कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर जो है, ये घर के नॉर्मल स्थिति में भी फ्लो होगा इसमें, मतलब बेहतर स्थिति में फ्लो होगा, इसमें करंट बेहतर स्थिति में फ्लो होगा। देखिए इसका क्या मतलब है, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं ना, जितने भी कंडक्टर्स में आपको बताया, उन सभी कंडक्टर्स में बिजली का प्रवाह तो होता है लगातार, लेकिन इसमें बिजली की हानि भी होती है, क्योंकि लगातार जो है इसमें बिजली का ह्रास होते रहता है, रुकावट आते रहता है, इसमें फ्लो एकदम फ्लुएंट फ्लो नहीं होता है किसी भी चीज़ों में, तापमान के कारण से, ठीक है। अगर ताप इनको अगर तापमान जितने भी है सुपर कंडक्टर्स में, खास करके होता है कि इनमें जो है आपको जितना ठंडी स्थिति में रखेंगे, 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस से कम में रखेंगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उतना फ्लो बेहतर होगा उसमें करंट का, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको नॉर्मल तापमान में रखते हैं तो फ्लो फिर उसमें फ्लक्चुएशन होगा, हानि होगी बिजली की। तो हम लोग ऐसे करके बहुत हानि होती है हमारी बिजली की, बिजली तो मिल रहा है, हम लोग हर चीज़ हो रहा है, लेकिन उसमें हानि बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम लोग को सुपर कंडक्टर मिल जाए जो कि नॉर्मल घर का जो टेम्परेचर, हम लोग का जैसे नॉर्मल घर का टेम्परेचर रहता है ना, नॉर्मली जैसा है, उसको अलग तरीके से ठंडा नहीं करना पड़ता किसी तरीके से, उस तापमान में यदि जो है इस तरीके का सुपर कंडक्टर अगर हम लोग को मिल जाए, तो हमारे बिजली का हानि होना बंद हो जाएगा, और हर एक जगह पे बहुत बेहतर तरीके से हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो एक क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा था जब मिला तो, लेकिन फिर लोग इसका विश्लेषण वगैरह करना शुरू किए, तो LK9 पता चला कि ये मतलब घर के तापमान में नॉर्मल बिहेवियर करने वाला ये कंडक्टर नहीं है, सुपर कंडक्टर नहीं है इस तरीके का, लेकिन न्यूज में था ये, तो अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि LK99 क्या है, किस लिए चर्चे में था, तो सुपर कंडक्टर के कारण से, ठीक है। तो इस तरीके से यहीं पे सब चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए, आप चाइना का यहाँ पे बात कुछ समय पहले मैं बताया था न्यूज़ में कि जो चाइना है वो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, निर्यात नहीं कर रहा है। तो अब क्या करेंगे बाकी जो देश है, सभी देशों में अब इससे प्रॉब्लम होगा, जिस देश में अगर उस तरीके की चीज़ें नहीं है, उस वैसा तकनीक नहीं है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, चाहे सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए फिर बाकी देश को संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए अब क्या कर रहे हैं, बाकी जो देश है वो सभी एक दूसरे में सहयोग बना करके आगे चल रहे हैं, जिनके पास जो है, किसके पास रॉ मटेरियल है, तो किसके पास तकनीक है, सब मिल करके एक साथ काम करके जो है अपना विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भारत जापान के साथ ये समझौता कर रहे हैं, इसमें जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, उपकरण अनुसंधान, सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन स्थापित करना और प्रतिभा विकास करना। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है जिसको बेस लेकर के जो है भारत जापान अब एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये काफी अच्छा एक मौका भी है हमारे पास, भारत के पास, ठीक है, भारत की मेक इन इंडिया पहल और जापान की सोसाइटी 5.0, ये दृष्टि जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जहाँ पे आप कभी भी कहीं भी इस तरीके से भारत जापान की अगर से संबंधित प्रश्न आता है तो आप वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर सेमी कंडक्टर संबंधित प्रश्न आ गया तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे, सेमी कंडक्टर डिजाइन और निर्माण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए भारत के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी में प्रयास, यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो भारत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के साथ में भी चल रहा है, क्योंकि चीन के साथ लगातार आप देख रहे हैं कि चीन यूएसए जो है ये भी चीन चीन से चीन को कहीं ना कहीं पीछे करना चाहता है, ठीक है, उस पर कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है, उसको मतलब आगे जिस तरीके से चीन जो है जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है इकोनॉमिक सेक्टर में, कहीं ना कहीं उससे भी ये जो अमेरिका है वो भी प्रभावित है, ठीक है। तो ये उसको टैकल करने के लिए हम साथ में, हम सभी लोग साथ मिल करके चलने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए, और हम लोग को भी अभी फायदा है तो हम लोग भी चल रहे हैं,
ठीक है। सेमीकंडक्टर अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के साथ भी हम लोगों ने समझौता किया। फिर भारत में एक सेमीकंडक्टर इकाई और एक अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने के लिए यहाँ पे माइक्रोन टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मटेरियल्स के द्वारा यहाँ पे निवेश भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जिसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और LK99 अभी सुपर कंडक्टर मैं आपको बताया था, वही सुपर कंडक्टर यहाँ पे इसके बारे में ये पिछले 2-3 बार और न्यूज में था और अभी भी है, तो इसलिए इसको एक बार और मैं आपको बता दिया। सुपर कंडक्टर ये LK99 जो है न्यूज में था, तो LK99 क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अभी इसको खारिज कर दिया गया है, क्योंकि देखिए सुपर कंडक्टर तो ठीक है, लेकिन सुपर कंडक्टर में भी वो सुपर कंडक्टर जो कि नॉर्मल घर के टेम्परेचर में वो बिल्कुल फ्लो में काम करे, तो इस तरीके की बातें की जा रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, ये नहीं है। ठीक है, और लगातार आगे बात चल रही है, देखते हैं फिर, है ना। लेकिन इसको याद रखना है प्रीलिम्स के दृष्टि से कि LK99 क्या था। देखिए कावेरी नदी जो है, वो कावेरी नदी अभी फिर से जो है अभी न्यूज में आ गया है। ठीक है, क्योंकि आप देखें कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में, और ये कब से लगातार विवादित बीच बीच में विवाद चलता ही रहता है, तो कभी उधर से उस तरीके से प्रश्न नहीं आता। हाँ, ये आता है कि जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं इसके बीच मेंस के लिए, तो वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन अभी हम लोग खास करके प्रीलिम्स के लिए कावेरी नदी के बारे में हम लोग मेन देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार और देखे हैं, लेकिन हम लोग को बार बार देखना ये सब चीज़ें, क्योंकि थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए भी हम लोग को देखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए कावेरी नदी का यहाँ पे आपको चित्र मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत के एक पवित्र यहाँ पे नदी कहा जाता है, या फिर दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है इस कावेरी नदी को। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये किधर है, ये पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला हम लोग का। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पे यहाँ पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है। ठीक है, तो इसका सोर्स कहाँ से हो गया, समझ में आ गया, दक्षिण पश्चिमी ये कर्नाटक का क्षेत्र। सबसे पहले तो राज्य देखिए, तो राज्य कर्नाटक का है, कर्नाटक के राज्य में देखेंगे कि आप ये इधर पश्चिमी क्षेत्र वाला एरिया, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो यहाँ पे है, तो हम लोग उसको दक्षिण पश्चिमी भी कह सकते हैं, तो दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक से होकर के निकलती है। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिमी जो और पश्चिमी घाट जो है वहां पे ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से निकलती है, और फिर निकलते हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्नाटक से होकर के फिर ये तमिलनाडु राज्य में होकर के बहती है। लेकिन फिर इसके अलग अलग भी ये रूट्स वगैरह फैले हुए हैं, तो आसपास के क्षेत्र भी काफी जो है इसके कारण से जो है एक जलप्रवाह क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, एक बेसिन क्षेत्र भी हो जाता है इनका, तो इस तरीके से लगभग इसका प्रभाव हर तरफ है। ठीक है, और फिर आगे चल करके देव बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें इसमें है। देखिए कावेरी बेसिन जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये पुदुचेरी में भी यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, और ये नदी जो है, नदी तमिलनाडु के यहाँ पे मयिला दुरुथराई दुथुराई जिले के पुम्पुहार में जो है बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखेगा ये सब बड़े बड़े जो सिटीज हैं, मैसूर हो गया, ठीक है, ईरोड हो गया, ठीक है, तंजावुर हो गया, तो ये सब लोग इसके किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो है अलग अलग नेशनल पार्क रिजर्व्स वगैरह हैं, तो प्रश्न यहाँ से बन जाता है, इसको बड़े लेवल पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है वो कावेरी बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो कावेरी बेसिन में कौन कौन से यहाँ पे जो है बेसिन ये सॉरी मतलब स्थित है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे नागर होल देखेंगे। ठीक है, नागर होल, फिर सत्यमंगलम, फिर वायनाड। ठीक है, तो ये जो तीनों है ना, ये पापीकोंडा तो अलग हो गया, पापीकोंडा क्योंकि ये उधर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको दिखेगा, ये उधर साइड में। ठीक है, तो ये नहीं है, बाकी तीनों है। तो नागर होल आपको दिखेगा यहाँ पे कर्नाटका में। ठीक है, सत्यमंगलम आपको दिखेगा यहाँ पे तमिलनाडु
तमिलनाडु में, और वायनाड वन्य जीव अभयारण्य आपको यहाँ पे ये वाला क्षेत्र में दिखेगा। ठीक है, तो ये तीनों बेसिन क्षेत्र में ही आपको दिख रहे हैं। ठीक, इस तरीके से ये तीनों ऐसे जगह पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों सही हो जाएंगे, 1, 3, 4। तो इसको भी याद रखिएगा, इस बेसिन क्षेत्र में ये लोग जो यहाँ पे नेशनल पार्क्स और राष्ट्रीय उद्यान जो है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत और सूरीनाम स्वास्थ्य समझौता इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सूरीनाम के साथ हम लोग एक स्वास्थ्य के लिए जो है दवाइयों के क्षेत्र में हम लोग इसके साथ समझौता कर रहे हैं। और यहाँ पे मैप आप देखिए, सूरीनाम लगातार हम लोग ये दक्षिणी अमेरिका को कई बार देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग टिटिकाका झील जो देख रहे थे वो हो गया। ठीक है, कई बार हम लोग ये सब देख लिए यहाँ पे। ठीक है, और ये आप यहाँ पे देखिए कि ये बोलीविया पेरू के बीच में है। फिर हम लोगों ने ब्राजील के बारे में भी देखा था। ठीक है, अमेजन वर्षा वन के बारे में देखा था। फिर इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, मतलब अगर रियल में आप लोग, कुछ लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना मेरे साथ, तो आप लोगों का मैप बहुत अच्छा हो गया होगा। बताइए कितने लोग का मैप अच्छा हो गया है कमेंट करके। सूरीनाम देखिए, ये वाला क्षेत्र सूरीनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये वाला जो, ये जो सूरीनाम है यही, यहाँ सूरीनाम है, इसको मैप में देख लिए। अब हम लोग इसके साथ समझौता कर रहे हैं, स्वास्थ्य समझौता। तो इसमें देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो भारतीय औषध कोष आयोग IPC और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है, उस पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसका उद्देश्य है सूरीनाम में दवाओं के लिए एक मानक रूप से भारतीय औषध कोष को मान्यता देना। ठीक है, तो इस तरीके की समझौते किए गए हैं साथ में। तो नॉर्मली प्रीलिम्स के लिए मैप से यहाँ बन सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में किसके साथ जो है हम लोगों ने औषधि कोष के लिए समझौता किया था। ठीक है, तो देखिए कुछ कुछ विशेषताएं, जैसे कि भारतीय औषधि कोष की स्वीकृति मिल गई है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे स्थापना कर सकते हैं, मतलब वहां पे स्थापित होगा भारतीय औषधि कोष, और वो जो है वहां पे दवाई वगैरह सारी चीजों का मैनेजमेंट, परीक्षण, गुणवत्ता का चेक, सब चीजों देखेगा। तो सुव्यवस्थित गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि IP यानी कि भारतीय औषध कोष जो है वो मानकों का पालन करने वाले भारतीय निर्माताओं के द्वारा जारी किए गए विश्लेषण प्रमाण पत्र की स्वीकृति के माध्यम से सूरीनाम में दवाओं के दोहरे परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त करेगा ये। उसके बाद से लागत प्रभावी मानक, तो लागत में भी यहाँ पे कमी आएगी, ये सब कुछ विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो समझौता ज्ञापन यहाँ पे उचित लागत पर भी ध्यान देने के लिए इसमें समझौता किया गया। तो नॉर्मली एक दो पॉइंट बस, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इससे क्या महत्व होगा, तो इससे महत्व आर्थिक लाभ हमारे को भी, सूरीनाम को भी, जितना ज्यादा कहीं भी जो जो दवाइयों का दोहराव ये सब चीजें जो थी, प्लस हमारे को एक मार्केट मिला दवाइयों के थ्रू। ठीक है, तो आर्थिक लाभ होगा। फिर भारतीय यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसके अंतर्गत भी भारतीय औषधि कोष की आधिकारिक मान्यता पहले ही अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम तक विस्तृत है। ठीक है, तो इतना लोगों का नाम भी याद रखिएगा ये देशों का। यह विस्तार वैश्विक फार्मास्यूटिकल परिदृश्य में अपने प्रभाव और सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों को भी दर्शाता है। तो इस तरीके से हम लोग का एक महत्व ये भी दिख रहा है कि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं अब। ठीक है, तो ये कुछ कुछ देशों को याद रखिएगा जहाँ पे हम लोग, हमारा जो भारतीय औषधि कोष है वहां पे उसको मान्यता मिल रहा है आधिकारिक रूप से। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय औषधि कोष आयोग के बारे में। आयोग के बारे में जानना जरूरी है, बेसिक चीजें यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारतीय चलिए देखते हैं आगे, क्योंकि चार्जिंग पूरा लास्ट खत्म हो गया था, हो सकता है बंद हो जाता तो रिकॉर्डिंग बीच में ही प्रॉब्लम हो जाता, तो अच्छा है कि मैं देख लिया उसको। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारतीय औषधि कोष आयोग के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है ये,
भारत में दवाओं के मानक तय करने के लिए बनाया गया है। इसका मूल कार्य इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के इलाज के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के निर्माण को नियमित करना है। दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रकाशित करता है। यह नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को प्रकाशित करके जेनरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। देखिए, जो प्रकाशित करता है वो यही प्रकाशन है, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको प्रकाशित करता है और फिर एक तरीके से इन सभी को एक उपयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस टाइप का। फिर भारतीय औषधि कोष आयोग मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति के लिए मानक निर्धारित करता है, ठीक है। और फिर आईपीसी जो है, आईपी संदर्भ, यानी कि ये एक तरीके से रेफरेंस सब्सटेंस भी देता है, अलग से वही प्रदान करता है जो कि परीक्षण के तहत किसी वस्तु की पहचान और आईपी के निर्धारण और उसकी शुद्धता के लिए फिंगरप्रिंट के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये सब कार्य है जो भारतीय औषधि कोष के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद से सूरीनाम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सूरीनाम जो है दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है ये। इसकी सीमा जो है उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना, देख रहे हैं सब आपको मैं बताया हूँ ये सब चीज़। फिर सूरीनाम की राजधानी यहाँ पे पारामारिबो यहाँ पे है, पारामारिबो है जो सूरीनाम नदी के तट पर स्थित है। सूरीनाम एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें राज्य और सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। सूरीनाम की अर्थव्यवस्था विविध है जिसमें कि खनन, सोना, बॉक्साइट, तेल और कृषि, कृषि के अंतर्गत चावल, केले, लकड़ी और सेवाएं शामिल हैं, ठीक है। और सूरीनाम के प्राकृतिक संसाधनों में देखेंगे तो विशेष रूप से सोना, बॉक्साइट, ये हाल ही में खोजे गए तेल भंडार से समृद्ध भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 दिन का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीटली कवर कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को मेहनत अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंस आंसर राइटिंग करके आप लोग ग्रुप में भी भेजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।